नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 23 जून शुक्रवार को वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में महानगर पालिका की नई नई आई मशीनों का और वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं, बीच पर बीच क्लीनिंग मशीन का उद्घाटन किया जा रहा है। दरअसल ये बीच क्लीनिंग मशीन पालघर जिले में अपने आप में पहली बार मंगाई गई है और पालघर जिले की ये पहली बीच क्लीनिंग मशीन है जिसको वसई विरार महानगर पालिका ने अभी मंगवाया है। ये बीच क्लीनिंग मशीन आने वाले समय में बीच की सफाई के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। वसई विरार अंतर्गत नायगांव से लेकर विरार तक पश्चिमी क्षेत्र में चारों तरफ बीच है और वो बीच काफी गंदे हो चुके हैं। उन बीच की सफाई कई बार कई संस्थाएं आगे आती है, बीच की सफाई करती है। इन बीच के गंदे होने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज को ख्याल में रखकर वसई विरार महानगर पालिका ने ये बीच क्लीनिंग मशीन मंगवाई है। और ये जो बीच क्लीनिंग मशीन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये मशीन है जो कि ट्रैक्टर को बांधकर चलाई जाएगी और इस मशीन से बेहतरीन तरीके से बीच की क्लीनिंग की जा सकती है। महानगर पालिका ने प्रेस नोट जारी करके इस मशीन की जो कुछ खासियत बताई है, उसमें महानगर पालिका ने बताया है कि ये मशीन समुद्री जीव को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाकर 150 mm जितनी रेती निकालने के बाद वहां पर हर तरह के कचरे को, गीला हो या सूखा हो, अलग तरीके से वो उसको उठाने में सक्षम है। साथ ही साथ वसई विरार महानगर पालिका ने क्षेत्र में घन कचरा विभाग अंतर्गत कार्यरत स्वीपिंग मशीन, नई 4 स्वीपिंग मशीन भी मंगवाई है। इससे पहले भी वसई विरार महानगर पालिका में स्वीपिंग मशीन आ चुकी थी। अब की बार जो स्वीपिंग मशीन आई है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी अलग और एडवांस है। इस स्वीपिंग मशीन में पानी का भी इस्तेमाल हो सकता है, 360 डिग्री पूरी ये मशीन घूम सकती है। इन मशीनों का भी लोकार्पण किया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ वसई विरार महानगर पालिका ने 2 वाचनालय, एक वसई जीजी कॉलेज के बाहर और दूसरा दीवान मान में, वो 2 वाचनालय उभारे हैं, खोले हैं, जहां पर आकर बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, वहां बैठने की व्यवस्था है। उनका भी लोकार्पण 23 जून शुक्रवार को किया। इस कार्यक्रम में वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक अनिल पवार के साथ वसई विरार के पूर्व महापौर नारायण मानकर, पूर्व महापौर रुपेश जाधव, पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी, पूर्व उप महापौर उमेश नाइक, पूर्व उप महापौर प्रकाश रोड्रिक्स, परिवहन समिति सभापति भरत गुप्ता, महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले, अतिरिक्त आयुक्त बगाड़े अजिंक्य बगाड़े, विरोधी पक्ष नेता विनायक निकम, इनके अलावा कई राजनीतिक क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। देखें इस पूरे कार्यक्रम की ये वीडियो और फुटेज। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर्व प्रमुख अतिथींनी शुभेच्छा वाढवायचे आहे।
चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।